हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे आपको एक्चुएटर वाल्व के बारे में, इसकी रिपेयर कैसे करते हैं। एंड ये देखिए, ये एयर ऑपरेटेड एंड न्यूमेटिकली ऑपरेटेड एक्चुएटर वाल्व है। यहाँ इसका फीडबैक आता है, इसके इंटरनली कनेक्शन है, तो इसे यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो फ्रेंड, ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ये इसका, ये देखिए, ये सोलनॉइड वाल्व है, एंड ये इसके प्रॉक्सिमिटी है फीडबैक के लिए। इससे पता लगता है कि वाल्व ओपन है या क्लोज है, इसका फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक चेक करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, ये वाल हमारा काम नहीं कर रहा, इसमें पानी चला गया एंड इसके कारण ये बर्न हो गया। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इसका ये कार्ड रिप्लेस करेंगे। तो इसको नेक्स्ट हम पहले खोलेंगे, पुराना कार्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये कार्ड ओपन कर लिया है एंड ये सोलनॉइड का जैक है, ये इसका प्रॉक्सिमिटी जो अपना फीडबैक देंगे वाल्व की, ओपन एंड क्लोज की, ये डिजिटल फीडबैक देते हैं, जिसको को बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल। एंड ये कार्ड देखिए, कार्ड बर्न हो चुका है। एंड अभी हम क्या करेंगे, ये कार्ड रिप्लेस करेंगे, नया लगाएंगे और फिर इसे चला के देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने ये नया कार्ड लगा लिया है एंड अभी इसको कनेक्ट करेंगे। ये इसका एक कनेक्टर टूट गया था, तो हमने ये सोल्डरिंग कर लिया है एंड नेक्स्ट बाकी के जैक हम सारे लगाएंगे वन बाय वन। एंड पहले इसको इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर, फिर हम लगाएंगे जैक। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके जैक कनेक्ट करेंगे सारे। ये फीडबैक का हो गया, ये फीडबैक ओपन क्लोज के फीडबैक हैं, ये सोलनॉइड की कॉइल है, सोलनॉइड को सप्लाई जाती है रेड एंड ब्लू, 24 वोल्ट डीसी इसको सप्लाई जाती है एंड 24 वोल्ट ऑपरेटेड ये कार्ड है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको SMPS जो हमने ले लिया इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर। तो फ्रेंड्स, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर इसका कनेक्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट दिखाएंगे, इसको एयर देनी है हमने। ये है पॉइंट, यहाँ पे है एयर इन का, यहाँ पे हमने न्यूमेटिक एयर देनी है इसको, 4 से 6 kg का प्रेशर होना चाहिए। तो देखिए, ये वाल ऑन हो चुका है, मतलब अभी ये ओपन है वाल। अभी क्या है, इसमें से जो फर्स्ट वायर है इसको, तो फ्रेंड्स 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट हो चुकी है एंड एयर की लाइन हमने दे दी है। अब हम क्या करेंगे, एयर का वाल इधर से खोलेंगे, एयर का प्रेशर हमारा 4 से above आ रहा है, तो नेक्स्ट हम वाल ऑपरेट करेंगे एंड हमारी यहाँ तक एयर पहुँच चुकी है। तो अभी हम ये 24 वोल्ट डीसी इसको देंगे, उससे ये ऑपरेट हो जाएगा एंड इसका फीडबैक जैसे ही आएगा तो ये इंडिकेशन है, जो ये ग्रीन हो जाएगा, उससे पता लगेगा कि हमारा वाल ओपन हो चुका है। ये देखिए, नहीं
ये देखिए ये हमारा वाल्व अभी ओपन हो चुका है। अभी ये मैकेनिकली कैसे वर्क कर रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं डाउन साइड से। ये देखिए ये जैसे ही हम इसको 24 वोल्ट डीसी देंगे तो ये ऑपरेट होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये वाल बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर देंगे जहाँ पे ये लगाना है। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आप लाइक और कमेंट करना, एंड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ अपना कमेंट्स में ज़रूर बताना हमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।